हालात बेहद कठिन थे। मैंने अब तक ऐसे दिन नहीं देखे थे। मेरे पास पहले रोजाना कम से कम 4 ग्राहक आते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद कोई नहीं आता था। ऐसे हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। कई रातें पानी पीकर गुजारनी पड़ी थी। बात करते करते शबनम का गला भर आया। वह आगे बताती हैं, अकेले हमारी नहीं, यहाँ रहने वाली करीब 3,000 महिलाओं की यही कहानी थी। शबनम आगे कुछ कहती उससे पहले बगल में बैठी रेशमा बोल पड़ी, यह क्या बताएगी, मुझे तो एक बार 2 दिन तक खाना नहीं मिला था। वो तो भला वो पुलिस वाली दीदी SI किरण सेठी का, जो मददगार बनकर आगे आई। लॉकडाउन ने हमारी जिंदगी को ऐसा अनलॉक किया कि 2 गज छोड़िए, आज बदनाम गली से हजारों गज दूर जा चुकी हूँ। कोविड प्रोटोकॉल के लहजे में बात खत्म करते करते वह खिलखिला पड़ी। शबनम और रेशमा कभी दिल्ली की रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर थी, आज दोनों नौकरी कर रही हैं। यह संभव हुआ पिछले साल लगे लॉकडाउन से। इसके बाद इनका पेशा पूरी तरह ठप हो गया। इसे JB रोड की करीब 3,000 महिलाओं की रोजी रोटी पर संकट आन खड़ा हुआ था। बचत आदि ना होने से कईयों को भूखा रहना पड़ा था। इसकी सूचना JB रोड चौकी प्रभारी किरण सेठी को मिली। सेक्स वर्कर में दीदी के नाम से मशहूर सेठी ने कुछ निजी तो कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से सबसे पहले खाने का इंतजाम करवाया। किरण सेठी के मुताबिक हमें लगा कि लॉकडाउन इनकी जिंदगी की दूसरी दिशा में मोड़ने का अवसर हो सकता है। एक बार जब सबके भोजन का इंतजाम हो गया तो अलग अलग तरीके से इनको हुनरमंद बनाया। इन सब का नतीजा यह रहा कि आज 2 महिलाएं नौकरी कर रही हैं, जबकि करीब 20 रेड लाइट एरिया छोड़कर जाने को तैयार है। लॉकडाउन की वजह से भोजन का इंतजाम होने के बाद इनकी उदासी दूर करने के लिए काउंसलिंग करवाई गई। इसी बीच इन महिलाओं के लिए नियमित योग की क्लास शुरू की गई। सबका हेल्थ चेकअप करवाया गया। इसी दौरान छोटे छोटे काम धंधे करने लायक प्रशिक्षण दिलवाया गया। अब प्रोफेशनल व वोकेशनल कोर्स कराने की भी तैयारी। किरण सेठी बताती है कि अभी इनमें अपनी कमाई को लेकर बड़ी अनिश्चितता है। उम्मीदन जब आमदनी का दूसरा स्रोत मिलेगा तो कई महिलाएं दम घोटू पेशे को खुद ही छोड़ देंगी। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।